हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक और एडवांस स्टाइलिंग की वीडियो लेके आप लोगों के लिए। सो, इसमें भी बहुत सारी डिटेलिंग है, इसमें मैं बहुत कुछ नया आप लोगों को बताने वाला हूँ और इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये वीडियो हम रियल हेयर पे करने वाले हैं, यानी कि जैसे कि मेरे को रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, आप लोग बोलते रहते हैं कि रियल हेयर पे भी करो, रियल हेयर पे भी करो। सो टॉपिक ये रहेगा कि आज मैं आप लोगों को विंटेज करने सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो विंटेज मेरे बहुत सारे हेयरडू आर्टिस्ट करते हैं बट उनसे अच्छे से होते नहीं है, और बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट भी ट्राई करते हैं उनसे भी अच्छे से नहीं होते हैं। तो इसमें मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ दोस्तों, तो इसको अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो देट जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये हमारी आज की मॉडल है, इनका नाम है विधि। इनके ऊपर हम लोग विंटेज करने वाले हैं। सो विधि से हाय माय यूट्यूब फैमिली। सो दोस्तों, इन्हीं के ऊपर हम विंटेज करेंगे। उनकी लेंथ देख लीजिए आप, और इनके बालों में डेंसिटी भी आप लोगों को दिखी रही होगी। सो इनकी मैं टेक्सचराइजिंग करूंगा, टेक्सचराइजिंग की आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करूंगा, देन उसके बाद हम विंटेज बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए, मैं एक बार आपको सेक्शनिंग दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है, ऐसे ऐसे पीसेस में हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे, और ये पूरा ईयर टू ईयर है, ठीक है। सो ये पूरा ईयर टू ईयर आपने निकालना है। मैं आपको अदर साइड से भी दिखा देता हूँ, सेम आपने यहाँ से भी ऐसे ही निकालना है, और उसके बाद आपने ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे करना है। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के बाद वर्टिकल सेक्शन निकाल लिया है, और ये प्रोडक्ट है टेक्सचर, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, एक तो बालों के अंदर जो भी ऑयल है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, और बालों में थोड़ी सी रफनेस यानी ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, यानी मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा स्टे करेंगे और लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। तो आपने इसको अच्छे से स्प्रे कर लिया, कोम कर लिया, इसी तरीके से कोम करने के बाद आपने हल्का हल्का रूट्स में बैक कोमिंग भी कर रहे हैं इसी तरीके से, लाइक दिस। तो ये बैक कोमिंग हो गई। उसके बाद आपने टॉन्ग ले लिए। सो टॉन्ग मशीन आप कोई भी नंबर के साथ उठा सकते हो, आपने देखना आपने कितने मोटे विंटेज बनाने हैं उस हिसाब से। तो ये वाली जो टॉन्ग है ये बहुत अमेजिंग है, बेबिलिस की टॉन्ग है, ये भी बहुत अमेजिंग है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है। 100% सेरेमिक है, तो 100% बालों को सेव करके रखती है, अगर ओवर हीट भी हो जाते हैं बाल तो कोई हार्म नहीं होता। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सो दोस्तों, आपने करना कैसे है, टॉन्ग को आपने ऐसे रखना है लाइक दिस, ठीक है, और फिर बालों को इस तरीके से रैप करना है, सीधा और फिर ट्विस्ट, सीधा और फिर उसके बाद ट्विस्ट, पीछे की तरफ शिफ्ट करते रहने ऐसे, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ एंड्स को पकड़ लेना, और यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, तो यहाँ अच्छे से होल्ड कर ले आप, और जब तक ये अच्छे से वार्मली गर्म ना हो जाए तब तक इसको खोलना नहीं है आपने। सो वेट करना है सम टाइम। देन इसके बाद आपने क्या करना है, सो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रैप किया और इसको वर्टिकली मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसको वर्टिकली निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिल्वर पेन लेना है और इसको इस तरीके से यहीं पे लॉक कर देना है। सो इस तरीके से कवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर लेते हैं हम सेकेंड सेक्शन, इसको भी आपने थोड़ा सा स्प्रे करना है पूरे हेयर्स पे, रूट्स के पास थोड़ा ज़्यादा करें क्योंकि बैक कोमिंग करने में आपको आसानी होगी और बालों में अच्छा कंट्रोल करना है इससे। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको भी हल्का हल्का बैक कोम करना है इसी तरीके से। देन इसके बाद आपने इस सेक्शन को भी ऐसे उठाना है, इसमें भी आपने इसी तरीके से, और ये भी सेम तरीके से रैप करना। अब यही तरीके से सारे बालों को मैं रैप करूंगा, सो देखना उसको अच्छे से एक बारी। सो लाइक दिस ऐसे रैप करना है, और इधर चेक करते रहना है कि गरम अच्छे से हो गया, ऊपर तक अच्छे से हीट आ जाए तो आपने इसको खोल देना है। सो ये जो टॉन्ग है बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी गर्म कर देती है बालों को, तो इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छे से फिंगर से टच कर करके चेक कर लेना, जैसे आपके फिंगर ना लग पा रही हो बालों में समझ लो अच्छे से गर्म हो गया, हीट हो गया, उसके बाद उसको निकाल दें ऐसे, चेक कर रहा हूं मैं।
और जैसे ही आपने निकालना है तो अपने हाथ को वर्टिकल तरीके से, जैसे हमने सेक्शन निकाले वर्टिकल कर लेना है और यहाँ थोड़ी देर वेट करना है और इसको भी आप खोल देंगे ऐसे। देन इसमें भी आप अपना ये सेलर पेन लेंगे और इसको भी आप इस तरीके से लॉक कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लॉक करते हुए चलना है हमने। फिर आपने लेना है नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हुए तो आपका जो ये सेक्शन है ये भी चौड़ा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप ऊपर आके चौड़ा सेक्शन हो रहा है इसको तीन जगह डिवाइड कर दो, 1, 2 और 3। ठीक है, सो आपने सबसे पहले मिडिल वाला लेना है, इसमें भी आपने अच्छे से वैक्यूमिंग करनी है। ठीक है, और इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लेना है, इसको भी ऐसे वैक्यूमिंग कर लेना है। ये स्प्रे किया अच्छे से, इसको भी आपने अच्छे से सेम उसी तरीके से रैप करना है, लाइक दिस। सो ये विंटेज बहुत इनमें है, बहुत सारे मेरे भाई लोग ट्राई करते हैं बट उनसे अच्छे से विंटेज होते नहीं है। अगर वो विंटेज बना अच्छे से लेते हैं तो उसकी शिफ्टिंग, उसकी पोजीशन और उसको किस तरीके से डिजाइनली सेट करना है, छोड़ना है, वो नहीं कर पाते। तो इसमें जो सीक्रेट है वो यही है कि हमने कर्स तो कर लिए, बस अब इनको ऑर्गेनाइजली सेट कैसे करें, तो ये चीज आपको एंड में देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो अच्छे से इसको बार बार रिपीट करके देखना है आपने। तो जैसे ये हीट हो जाएगा तो आप लोग देख भी रहे हो कितनी जल्दी हीट हो रहा है, फटाफट कर्ल्स हो रहे हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने टच करते हुए रहना है कि अच्छे से कर्ल्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हीट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बस इसकी हीट का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जितना अच्छा हीट आप बालों में प्रोवाइड करोगे आपका कर्ल्स उतना ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा बनेगा और टाइट बनेगा। आपने क्या करना है, इसको भी आपने इसी तरीके से यहाँ लॉक कर देना। सी, बहुत इजी है। देन टेक अनदर सेक्शन, इसको भी आप लोग का सा बैककमिंग का स्प्रे। सो अगर आपके बाल ऑयली भी हैं तो ये स्प्रे लगाने से बालों के अंदर अच्छा कंट्रोल आ जाएगा और एकदम फटाफट बैककमिंग होगी आपकी जो हमें चाहिए। बस इस तरीके से अप्लाई किया, देन उसके बाद इसी सेक्शन को आपने सेम उसी तरीके से रोल करना है टाउन के ऊपर, ये इस तरीके से सही। इसको वेट करना है थोड़ी देर और इसको भी खोल देना है, सेम वैसे ही खोल देंगे जैसे पहले खोला था। तो दोस्तों उसी तरीके से मैंने टॉप तक इनको कर्ल्स कर लिया है, टाइटली लॉक कर लिया है और यहाँ पे मैंने वैक्यूमिंग की है। वैक्यूमिंग करके सिंपली बस इसी इनसे सिल्वर पिन से लॉक किया हुआ है। अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप खोलने वाला हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कोई पफ नहीं है, ये सिर्फ वैक्यूमिंग है, जब हम खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये बस ऐसी जैसे मैंने नीचे ट्विस्ट किया था सेम उसी तरीके से ऊपर के बाल ट्विस्ट करके लॉक किए हुए हैं और मैंने वही स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ किया है टेक्सचर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सो बस इसी तरीके से इसको बनाना है, जब तक ये ठंडे ना हो जाए इनको ओपन नहीं करना है। तो ये ठंडे हो गए तो आप यहाँ से वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको ओपन करना। सो दोस्तों ये इस तरीके से कुछ खुलेंगे। इस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा आर्गन ऑयल हेयर स्प्रे है, ग्लॉसी हेयर स्प्रे, बहुत अमेजिंग है। इससे क्या होगा, जितना भी आपका ब्रेकेज होगा, डलनेस होगी, वो शाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और बालों में एक अच्छा सा मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा। तो जब आप बालों को खोलेंगे तो इसमें बिल्कुल भी फटेंगे नहीं ये बाल और स्मूथली आपका विंटेज बनेगा। ध्यान रहे अच्छे से इसको कर लेना है, उसके बाद इसको अपने स्ट्रेच करना है और हर किसी नीचे की तरफ वैक्यूमिंग करनी है। ये बस इसको इसी तरीके से खोलते हुए इसको नीचे की तरफ घूम करना है। ध्यान रहे बिल्कुल नीटली वर्क करना है आपने। तो ये सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको मैंने ओपन किया है
और उसके बाद आपने इस पर दोबारा से इसी तरीके से स्प्रे कर देना है। तो ये जो इसके अंदर गैप आ रहे हैं ना, ये इसकी ब्यूटी है। तो इस ब्यूटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। इनको नॉर्मली हॉलीवुड वेव्स भी बोलते हैं लोग, कि ये हॉलीवुड वेव्स हैं। तो ये हमारा फ्रीजिंग हेयर स्प्रे, फिक्सिंग हेयर स्प्रे। तो ये क्या काम करेगा, इसको यहीं कहीं रोक देगा, यहीं कहीं जमा देगा इसको। और साथ के साथ इसकी ब्रेकेज है जिसको आप ये कंट्रोल भी करेगा थोड़ी बहुत। सो आप लोग देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल ये हो रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंड लेयर ओपन करेंगे, यानी ये भी नीचे वाली लेयर है। इसको भी आराम से आप ओपन करेंगे इस तरीके से। इसको भी हल्का हल्का स्प्रे करेंगे, इसी तरीके से स्प्रे करना है इसको। और फिर इसको भी आपने ऐसे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके इसी तरीके से खोलना है इसको भी, ये ऐसे ब्लेंडिंग करते हुए, प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है इसकी, ऐसे ही एक दूसरे में मर्ज हो जाने चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है आपने। इसको फिर आप फिक्सिंग हेयर स्प्रे से लॉक करेंगे। तो ये फिक्सिंग हेयर स्प्रे से इसको बिल्कुल कनेक्ट कर देंगे। नीचे का मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जोड़ना है, पहले आपने इसको ऊपर से अच्छे से कनेक्ट करना है। सो हम लेंगे लास्ट सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों आप सेकंड लेयर ओपन करने वाले हैं, तो इसको भी आपने इसी तरीके से ओपन करना है। नाइसली खोल लें इसको, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको भी आपने स्प्रे करना है अच्छे से। ध्यान दें, ये वाला स्प्रे अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, तब ये फिनिशिंग दिखेगी आपको, नहीं तो आपको फिनिशिंग नहीं दिखेगी। इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लें ऐसे, यही। देन इसको आप हल्के हल्के हाथों से, कभी भी इसको आप बहुत हार्ड हाथों से ना ओपन करें, फिर दिक्कत हो जाती है इसको ओपन करने में। सो धीरे धीरे हर जगह से इसको भर देगा इस तरीके से। आप देख रहे हो एक ही लेयर को मैं कितना स्ट्रेच करके ओपन कर रहा हूँ। इसको नीचे ब्लेंड कर देंगे अच्छे से इसी तरीके से। तो ये होगी ब्लेंडिंग, इसको भी आप स्प्रे करेंगे अच्छे से। ध्यान रहे नीटली वर्क करना है, कोशिश करनी है बहुत सुंदर से दिखें। और जितने भी इंटरनेशनल लोग करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से यूज़ होता है, एक ग्लॉसी हेयर स्प्रे जिसका काम है इनको शाइन देना, इनकी ब्यूटी को एनहेंस करना, और एक का काम है इसको वहीं के वहीं फिक्स कर देना। सो ये कुछ इस तरीके से सिर्फ एक ही लेयर को मैंने ओपन किया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आप देखो। सो हम खोलेंगे अपनी थर्ड लेयर को। तो ये सेक्शन टू पे काम कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, जो नीचे से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये भी ओपन हो गया। इस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने तो ग्लॉसी हेयर स्प्रे लगाना है अच्छे से। सो इसको भी आपने इसी तरीके से, और क्लाइंट की डायरेक्शन यानी हेड डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि वो अच्छे से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम इसी तरीके से खोलते हुए इसको भी अच्छे से ब्लेंड करते हुए नीचे की तरफ कनेक्ट करते हुए। देख रहे हो आप कितने अच्छे से खोल रहे हैं। सो बस इसी तरीके से इसको ब्लेंडिंग देते हुए ये ऐसे इसको आप नीचे की तरफ कनेक्ट कर दोगे। सो इसकी फिलिंग भी हो रही है साथ के साथ, और इसकी शेप भी बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है। बस आपने इस पर अच्छे से स्प्रे करना है पहले ये वाला ग्लॉसी हेयर स्प्रे, उसके बाद आपने लेना है अपना फिक्सिंग हेयर स्प्रे इस तरीके से। सो ये हम अब लेंगे लास्ट लेयर अपनी। तो लास्ट लेयर कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ।
सो दोस्तों ये हमारी थर्ड लेयर है सेकंड सेक्शन की, इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रे किया। अब देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली ये हुआ पड़ा है। और इसको इसी तरीके से ब्लेंडिंग करते हुए नीचे की तरफ छोड़ देंगे इसको। ध्यान रहे इसकी ब्लेंडिंग, यानी इसको एक दूसरे के संग मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये बहुत सुंदर लगेगा, नहीं तो सुंदर नहीं लगेगा। इसको आपने स्प्रे करना है स्वीटन। इस दौरान अपने आपने जो भी क्लाइंट है या आप जिस पे ऊपर भी काम कर रहे हो, बहुत ध्यान देना है कि वो ज्यादा हिले ना। सो इस तरीके से अब हम नीचे आ गए, नीचे भी इसी तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे इसको। देन इसको भी आपने इसी तरीके से बहुत स्मार्टली ओपन करना है। आप लोग देख रहे हो मैं ज्यादा कोम नहीं कर रहा हूँ, कोम करने से क्या होता है ये हेयर्स ज्यादा लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि सेट नहीं हो पाते हैं। इसको भी आपने स्प्रे करना है, शेप के संग इसको जोड़ देना है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप देख रहे हो कितने आसानी से सारे के सारे विंटेज एक ही जगह सेट होते जा रहे हैं। सो अब हमारी लास्ट लेयर बचती है, उसको कैसे खोलना है मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों ये हमारी लास्ट लेयर है, इनको मैंने खोल लिया है, इनको मैं अच्छे से स्प्रे कर रहा हूँ। आप देखो इनको कितना ये ब्यूटीफुल लग रही है ओपन होने के बाद। बस अब इनको भी ब्लेंडिंग देंगे इसी जैसे हमने पहले ब्लेंडिंग करी है। ध्यान रहे हेड का डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। तो इसको इसी तरीके से ऊपर भी अच्छे से कोम के साथ इसी तरीके से इसको ब्लेंड करते हुए नीचे वाले बालों को हल्का सा सॉफ्टली कोम कर लें, सो दैट वो ब्लेंड इजीली हो जाए। इनको स्प्रेड करना अच्छे से, इनको स्प्रेड बहुत अच्छे से करना, सो दैट ये फिलिंग अच्छे से कर दे एंड में। ये सारा का सारा जो गेम है वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट और आपके हीट का है। जैसे मैंने इसमें हीट अच्छे से लगाई हुई है, प्रॉपर वेव दिए हुए हैं, वैसे के वैसे ही बस उन्हें खोलना है और हमने फिक्स करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मैंने पफ नहीं बना रखा है, तो आप देख रहे हो इजीली वो बाल खुल भी गए। सो ये सिर्फ एक ही सेक्शन है जिससे इतनी अमेजिंग लुक आ गई इसमें। तो अब हम खोलेंगे अपना लास्ट सेक्शन, ये बैक का लास्ट सेक्शन है। अभी फ्रंट पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, फ्रंट हम अभी बनाएंगे। तो ये बैक का लास्ट सेक्शन है, इसको भी अच्छे से कोम कर लेंगे, इसको भी अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए। इसके भी एंड्स को हल्का सा कोम कर लेंगे। ध्यान रहे ब्लेंडिंग ही सब कुछ है इसके अंदर, तो अच्छे से ब्लेंडिंग आनी चाहिए आपकी। बस इसी तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे। इसको भी आपने इसी तरीके से ब्लेंडिंग करते हुए नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है इसको इसी तरीके से।
कनेक्ट। और ये हो गए हैं एक दूसरे के संग अच्छे से कनेक्ट। आप लोग देख रहे हो कितनी डेंसिटी दिख रही है, कितना थिक दिख रहा है ये पार्ट, अच्छे से हैवी दिख रहा है, डेंस दिख रहा है। ये सब जो मैंने नीचे बैककॉमिंग की दी ना, ये उसी की वजह से लग रहा है। सो आप लोग भी जब करेंगे तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और बेफिक्र होकर प्रोडक्ट यूज़ करिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से ही ये सारा टिकेगा और कोई तरीका नहीं है इसको स्टे कराने का। और विंटेज एक ऐसी स्टाइलिंग है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है और बहुत अच्छे से टिक जाती है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है, ऐसे कि आप लोग देख ही रहे हो। बस इसी तरीके से नीट कर दें। आगे भी बहुत सारी स्टाइलिंग हम रियल हेयर पे करने वाले हैं, सो दोस्तों इसको लाइक शेयर जरूर कर लेना। अब हम बनाते हैं फ्रंट। फ्रंट कैसे बनाने मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों ये मैंने सारे बाल जितनी फ्रंट के थे वो पीछे की तरफ लाके लॉक कर लिए, यानी कि जो मैंने बताया था ना कोई पफ नहीं है, पफ के ऊपर ही सारे बाल को लॉक किया है आपने। प्लेनली सारे बाल को लॉक करना और इस तरीके से आपने सॉफ्टली लॉक कर लेना सिल्वर पिन से, और इनको ऐसे तरीके से डिवाइड कर लेना। ये चार जगह मैंने बालों को डिवाइड किया हुआ है, तो इस तरीके से आपने इनको डिवाइड कर लेना है। इनको भी आप विंटेज ही करेंगे सिंपल जैसे हमने सारे किए हैं, बस इनको सारे को पीछे की तरफ लाके लॉक करना। फ्रंट पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने कुछ लेयर छोड़ी है, इनको हम कर्ल्स करेंगे। सो ये मैंने कुछ फ्लिक वाला पार्ट छोड़ा है, इसको हम फ्लिक बना लेंगे, ठीक है। सेम इनर से मैंने ऐसी कुछ लेयर छोड़ी है, इनको भी हम कर्ल्स कर लेंगे। ये हमारा बाद में फिनिशिंग के लिए काम आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने ये हार्डली लॉक कर लिए, अब इनको भी हम कर्ल्स करेंगे और कर्ल्स करके ओपन करेंगे जैसे कि सारे विंटेज ओपन किए हमने। सो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो आपने क्या करना है, बस अच्छे से कोम कर लेना है। प्रोडक्ट इन पे लगा हुआ है अच्छे से, तो प्रोडक्ट दोबारा लगाने की जरूरत है नहीं। सो आपने इसको इसी तरीके से सेम विंटेज करना है। तो बस इसे अच्छे से विंटेज करके बाकी सारे वालों को भी सेम इसी तरीके से कर दें, और फिर जब कैसे खोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों मैंने सारे वालों को ऐसे करके कर्ल्स कर लिए हैं, अब मैं इनको ओपन कर रहा हूँ वन बाय वन। आप देखो इसको किस तरीके से ओपन करना है। सो ये लास्ट लेयर है हमारी जो आगे से आई है होके, तो उसको आपने अच्छे से ओपन करना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो फर्स्ट आप इसको इस तरीके से खोल लेंगे, ठीक है। देन इस पर आपने सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको सिखाया अभी एक ग्लॉसी हेयर स्प्रे आपने लेने, इसको अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है, लूज कर लेना है, क्लाइंट को थोड़ा हेड टाइट करने के लिए बोलना है। देन इसको अच्छे से हल्का सा चाहो तो कोम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, इससे थोड़ी सॉफ्टनेस और आ जाएगी आपके हेयर स्टाइल में, कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। ध्यान रहे विंटेज में ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, बस इसी तरीके से इसको सारी लेयर्स को अच्छे से कंबाइन करते हुए। सो आप देख रहे हो कितना फिनिशिंग आ रही है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आ रही है इसमें। सो ये लास्ट की लेयर को बहुत अच्छे से आपने खोलना है, यूज करना है इसको, फिर आपने ये वाला लेयर खोलना है। तो ये चार सेक्शन में से ये मेरी सेकंड लेयर है, तो सेकंड लेयर को भी मैं क्या करूँगा, पहले अच्छे से ग्लॉसी हेयर स्प्रे से फिक्स कर दूंगा, थोड़ा सा हेड को टिल्ट करूँगा क्लाइंट के, देन इसको भी हल्के हाथों से बहुत ही नाइसली, इससे क्या होता है आपके पेन का जो स्टेन है ना वो चला जाता है, बहुत ही हल्के हाथों से खोलना है। हेड को टाइट रखने के लिए बोलना है क्लाइंट को, ऐसे में क्लाइंट हेड टाइट नहीं रखते हैं। देन इसको भी आपने इसी तरीके से ब्लेंडिंग करते हुए अगर आप चाहते हो थोड़ी सॉफ्ट लुक आ जाए, ऐसे स्टिप स्टिप ना लगे कर्ल्स, ये विंटेज आपके, तो आप इस तरीके से इसको करें।
ध्यान रहे अच्छे से ब्लेंडिंग में, बार बार ब्लेंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग विंटेज के लिए कलर्स तो कर लेते हैं मगर उसको ब्लेंडिंग नहीं दे पाते अच्छे से। बस इसी तरीके से फिर इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ा ग्लॉसी हेयर स्प्रे से हल्की सी फिनिशिंग देनी है। इस तरीके से आएगा, बाद में हमें फिक्सिंग हेयर स्प्रे लेना है, इसकी भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर देनी ऊपर से। उसके बाद आपने ग्लॉसी हेयर स्प्रे लगाना है इसमें, इससे अच्छी शाइन आ जाएगी और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर्स हैं उनको भी ऐसे ही करना है आपने सेम, और ऐसे ही इसको फिनिशिंग देके छोड़ देना है। सो अब हम बनाएंगे फ्रंट। फ्रंट कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों हम लोग फ्रंट बना रहे हैं। फ्रंट में मैंने क्या किया है, सारे जो मैंने फ्रंट पे लेयर छोड़ दिए उनको तो मैंने कर्ल्स कर लिए है, ठीक है, जैसे विंटेज किए थे वैसे मैंने इन कर्ल्स को किया है। उसके बाद मैंने एक पतली सी लेयर छोड़ी हुई है, इसको आपने क्या करना है, बस ऐसे कोम करके अच्छे से वैक्यूमिंग कर लेनी है रूट्स में। और इसके मैंने एंड्स पे कर्ल्स किए हुए हैं तो आप ऐसे एंड्स पे कर्ल्स कर लेना अगर लेंथ लंबी है तो। उसके बाद बस आप इस तरीके से इसको कोम कर लें। कोम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बहुत ही नाइसली ग्रिप करना है और हेड को थोड़ा टिल्ट करना है क्लाइंट के, और हल्का सा ऐसे इस तरीके से लूज करना है, ये इस तरीके से स्प्रेड करना है ताकि फेस पे अच्छी फ्रेमिंग हो जाए, शेप अच्छी क्रिएट हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिल्वर पेन लेनी है, सिल्वर पेन से यहाँ पे इसको इस तरीके से लॉक कर देना है, ध्यान रहे बहुत ही नाइसली लॉक करना है, ठीक है। इस पर थोड़ा स्प्रे कर देना है और फिर आप इस शेप को अच्छे से सेट करेंगे विद प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट लेना है अपना, जो फिक्सिंग हेयर स्प्रे है हमारा, फिनिशिंग देते हुए इसको आपने लॉक करना है ऐसे ही। ध्यान रहे शेप खराब नहीं होनी चाहिए, ये जो स्किन पे छोटे छोटे बाल होते हैं इनको भी अच्छे से पेस्ट कर दें, नीट कर लें अच्छे से, क्योंकि ये ही बहुत बुरे लगते हैं। आप जब प्रोफेशनल कैमरे से पिक्चर खींचेंगे तो ये बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं दिखते हुए। अब इनको अच्छे से नीट कर लें। सो आपका फ्लिक भी रेडी है, हमारा फ्रंट भी रेडी हो चुका है। अब हमारे जो ये एंड्स बचे हैं हम उनको हल्का सा सेट कर देते हैं, जैसे विंटेज के साथ मर्ज करना है इनको हमने, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मर्ज करना है। चलो दोस्तों हेयर स्टाइलिंग रेडी है, आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। सो एक बार आप लोग देख लो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है, गाउन के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, और ये हर तरीके की ड्रेसेस हैं बहुत ब्यूटीफुल लगती है और बहुत इन में है, बहुत ट्रेंडी है, बहुत लोग ट्राई करते हैं। सो इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रीफ कर दिया है। सो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसको बना लोगे और बना के मुझे ज़रूर टैग करोगे हमारे इंस्टाग्राम पे, तो ज़रूर बताना कैसा लगा और हमें कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा। तो ये कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग है, और ये आप अदर साइड भी देख लीजिए। दोस्तों आप लोगों को ये स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और इसमें आपने बहुत कुछ सीखा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी वीडियो में कोई कट होता ही नहीं तो आप नया नया कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहते हो। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो विंटेज मैंने आज आपको सिखाए हैं जो बताए हैं, तो ये विंटेज आप फ्रंट पर बना सकते हो, इधर साइड बना सकते हो, बैक में बना सकते हो, मैंने तो बैक में बनाना सिखाया आपको, आप इसे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुली बन जाता है। दोस्तों इसकी बनाने की जो टाइमिंग है वो 30 से 35 मिनट की या लास्ट 40 मिनट के अंदर ये बन जाता है, यानी सफिशियंट टाइम के अंदर आप एक अच्छा विंटेज लुक क्रिएट कर सकते हो। एज एन आर्टिस्ट, एज एन हेयर स्टाइलिस्ट बहुत सारे लोग इसको ट्राई करते हैं बट इसको ऑथेंटिकली बना नहीं पाते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया, जो मेरे पास बिल्कुल बेस्ट चीज थी बताने की मैंने आपको बता दी है, और स्टाइलिंग प्रोडक्ट का भी आप देखा आपने, स्टाइलिंग प्रोडक्ट मैंने किस तरीके से यूज किया और हमारी स्टाइलिंग उसमें और भी ज्यादा इजिली बन गई, शाइन है, स्मूथनेस है, और सारे बाल कंट्रोल में चल रहे थे जबकि इतने ड्राई और रफ हेयर थे उनके, और इनके बाल रिबॉन्डेड हेयर थे, इसमें मैंने ये बनाया।
तो दोस्तों अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत अच्छा लगता है कि आप उन्हें शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। और अगर आपके चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। दोस्तों कमेंट जरूर करना क्योंकि आपके जो कमेंट है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जैसे कि दिव्या मैम भी बताती है, मेकअप वाले जो हमारे दिव्या मैम है, कि आपके जो कमेंट है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों हमें कमेंट करना कैसा लग रहा है, क्या सीख रहे हो, उसमें कुछ आपको फायदा हो रहा है। सो हम ऐसी स्टाइलिंग आपके लिए बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। और हमारा जो ये नॉर्मली जो मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल होता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप ऐसे ही देखते रहें और लर्न करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।